अशेष चिदचित वस्तु शेषिणे शेष शायिने निर्मलानंत कल्याण निधये विष्णवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। सौभाग्यस्य अयम् अवसरः यद् अस्मिन् पवित्रतमे पुरुषोत्तम इति नामने मासे अधिक मासे श्री कुलपति महोदयानां कृपा प्रसादात् अद्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दिल्लीस्थस्य पौरोहित्य विभागे आचार्य पदे विराजमानाः पूज्याः प्रोफेसर राजाराम उपाध्याय रामराज उपाध्याय महोदयाः अत्र समायाताः सन्ति। एतेषां पादपद्मयोः सश्रद्धं वन्दनं विदधामि। वयं सर्वे जानीमः यत् मंगलाचार युक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनां जपतां जुग्वतां चैव विनिपातो न दृश्यते इति धिया। कार्यक्रमस्य आरंभे तत्र डॉक्टर वेणुधर दास अद्यैव अनेन उपाधिं प्राप्तः इति वैदिक मंगलाचरणार्थं प्रार्थ्यन्ते वेणुधर दासाः। अथर्ववेदीयं मंगलाचरणं यो वस्तिवतामो रसस्तस्याभाजयते हनाः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोयस्य क्षया यजिन्वाथ आपो जनयाथा जनः हरिः ओम्। धन्यवादाः। पौराणिक मंगलाचरणार्थं प्रार्थ्यते अप्रत्यह छात्रः मृत्युंजय दाधीचः। ओम कातर्यास्यात् कुमारी कुसुमकलिकया जाप्यमाला जपन्ती मध्याह्ने प्रौढरूपां विकसित वदना चारुनेत्रा विशाला संध्यायां वृद्धरूपा विगलितकुचा मुण्डमालां वहन्ती सा देवी देवदेवीं त्रिभुवनजननी कालिका पातु चास्मान् सा देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालिका पातु चास्मान्। धन्यवादाः। अस्माकं समेषां कृते सौभाग्यस्य अयम् अवसरः यत् अस्माकं कुलपतयः पूज्याः प्रोफेसर रामसेवक दुबे महोदयाः अत्र विराजमानाः सन्ति। कार्यक्रमस्य आरम्भे एतेषाम् अभिनन्दनार्थं स्वागतार्थं च प्रार्थये शैक्षणिकपरिसरस्य निदेशकमहोदयाः डाक्टर् विनोद् कुमार शर्मा महोदयाः मान्यानां कुलपतिमहोदयानां माल्यार्पणेन एते स्वागतं करिष्यन्ति। तथा परम राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठानस्य निदेशकाः अस्माकं गुरवः वेदमूर्तयः आचार्याः शंभु कुमार झा महोदयाः प्रार्थ्यन्ते यत् अस्माकं अतिथयः ये अत्र समायाताः सन्ति तेषां दुकुलार्पणेन श्रीफल सभी को ये पता है कि आदरणीय गुरुजी का प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी का व्याख्यान आज अधिक मास के वैशिष्ट्य पर होना है और यह एक चर्चा का विषय है आम लोगों के बीच कि 12वें महीने के साथ 13वां महीना कहाँ से आ जाता है, क्या यह भी इसका भी कहीं श्रुति मूल है या नहीं, इसकी वेद मूलकता कितनी है, पुराणों में ये किस रूप से विकसित हुआ और ऋग्वेद में जिस मलिम्लुच शब्द का प्रयोग है
और अमहस्पति संस्पति इत्यादि मासों के माध्यम से, और मैं यहाँ कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रस्तावना के रूप में इस बात को निवेदन करना चाहता हूँ, भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणी जी ने धर्मशास्त्र के इतिहास में एक समराइज किया, पूरे संक्षिप्तीकरण किया, अधिक मास जहाँ विभिन्न धर्मशास्त्र में, पौरोहित्य में, ज्योतिष में, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, और वह निष्कर्ष बहुत जोरदार है। वह निष्कर्ष उन्होंने एक जो अंतिम पंक्ति लिखी, वो उनका लिखना है कि वास्तव में अधिक मास एक प्राकृतिक योजना है जिसका संपूर्ण विवरण वेदों ने, ज्योतिष शास्त्र ने, खगोलविदों ने किया, और कालांतर में पुराणों ने उसका विकास किया, और उस मलिमनुष्य मास को अधिक मास के नाम से उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रकट करके भगवत भक्ति से, भगवान विष्णु से उसको जोड़ करके, और कई कथाएं कि नरसिम्हा अवतार में भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, ऐसी कई कथाएं पुराणों में कालांतर में विकसित हुई। उसके साथ ही यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान रामानुजाचार्य ने अपने श्री भाष्य में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म शब्द का पूछा गया कि जब क्या अर्थ है, तो उन्होंने पुरुषोत्तम ही अर्थ किया कि वह परम पुरुषोत्तम जो है वे ही ब्रह्म है, क्योंकि भगवान स्वयं एव अगीयतः श्रीमद् भगवद् गीतायाम। तो यह पुरुषोत्तम मास भगवान के नाम से अलंकृत हो गया, विभूषित हो गया। इसी पर आज हमें आदरणीय प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी का व्याख्यान यहाँ प्राप्त होगा। मैं आदरणीय गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें अपना व्याख्यान प्रदान करें। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्य मौलिस्फुरन् तारानायक शेखरामिस्मित मुखी माफीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलविभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम सम्माननीयः विश्वविद्यालयस्यास्य महान्तो विद्वांसः कुलपतयः गुरुवर्याः प्रोफेसर रामसेवक दुबे महाभागः कार्यक्रमस्यास्य संयोजकः कौशलेन्द्रदास महोदयः वेदविभागस्य पूर्वविभागाध्यक्षः डॉक्टर शंभू कुमार झा महोदयः डॉक्टर नारायण हुस्मने महोदयः वर्तमाने अध्यक्षः देवेन्द्र मिश्र महाभागः निदेशकः मान्यः विनोद शर्म महाभागः अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् अधिमास विषये अस्मिन् अधिमासे किञ्चित् वक्तव्यमस्ति भवतां विदुषां समक्षे, यतो हि विषयोऽयं गतदिवसे आगतः, किञ्चित् वक्तव्यम् अपि अस्ति। पूर्वं तु एवं निर्धारितम् आसीत् यत् केवलं वाक्परीक्षा अस्ति, परञ्च अनन्तरम् अस्माकं परीक्षा अपि भविष्यति इति तु अनन्तरं निर्धारितम्, परञ्च भवतां समेषां
समक्षे परीक्षा अस्ति इति धिया काचित् विप्रतिपत्ति नास्ति। ये तो ही अधिमास अस्ति, अधिमासे अस्माकं सर्वे जे स्वकीयाः बान्धवः सन्ति तेषां समेषां पुरतः किञ्चित् उपस्थापनम् अस्ति। अधिमासस्य पुरुषोत्तम मासस्य वा वैशिष्ट्यं किमस्ति इति तु शास्त्रेषु बहु प्रतिपादितम् अस्ति। परञ्च तावत् आदौ यथा कौशलेन्द्र महोदयः स्वकीये व्याख्याने अथवा संयोजने प्रकटीकृतं कि त्रयोदशः मासः, तर्हि त्रयोदश मासस्य वर्णनम् आदौ कुत्र प्राप्यते इत्यस्मिन् विषये प्राप्यते प्रसिद्धा हि एतद् विषयिणी श्रुतिः अस्ति त्रयोदशो मासः। श्रुति वाक्यमस्ति त्रयोदशः मासः इति श्रुति वचनम् अस्ति, तर्हि कुत्र तस्मिन् विषये अत्र प्राप्यते चतुर्मासेषु पर्वत्रयैक कपाल होमानन्तरं मधुश्चेत्यादि द्वादश मासनाम अभिरूप होमम उक्त्वा अन्ते सुनासीरीये पर्वणि चत्वारि पर्वाणि भवन्ति, भवन्तः सर्वे जानन्ति चातुर्मासी यज्ञे, तर्हि सौर्यैक कपाले हुते संसर्पोसीति मन्त्रेण उपहोम उक्त इति आपस्तम्भेन सच अधिमास दैवत्वम इत्यादि तत्र प्राप्यते। तत्र अधिमासो न असंक्रांतो मलमासः, मलमासत्वं च क्रियावाह्यत्वं तच्च मासवृत्ति यद्धर्मावच्छेदेनावश्यक क्रिया निषेधः तद्धर्मवत्वम्। असंक्रांत पदेन क्षयस्य द्वितीयेन क्षय पूर्व भाव्य संक्रांतस्य निरासः, अतएव संक्रांति रहितो मास मलमास इति प्राचाम लक्षणम् अपास्तम्। मासवृत्ति इत्यत्र मासपदेन शुक्ल कृष्णांतमानेन चांद्रमासो अभिधीयते, तेन न कृष्णादि मासवृत्ति धर्मावच्छेदेन कार्तिक माघादौ सति अपि अनावश्यकम् ईशादि भक्षण क्रिया निषेधे कार्तिकादौ शुद्धेः अपि अति प्रसंगः। तत्र भृगुर्वचनम् अस्ति एकराशि स्थिते सूर्ये यदा दर्शद्वयं भवेत् हव्य कव्य क्रिया बाह्यस् तदा ज्ञेयो धिमासः। तत्र स्पष्टम् अस्ति अधिमासः कः, यतोहि जस्मिन् मासे दर्शद्वयं भवति, दर्शद्वयम् अमावास्या अन्तद्वयं दर्शः सूर्येन्दुसङ्गम इत्यन्तक्षण एव दर्शपदस्य मुख्यत्वा। द्विसंक्रांत उक्तः चान्द्रः क्षयो जस्मिन् वत्सरे भवति तदा कार्तिकादि मासेषु एकश्चैत्रादिशतके अपर इत्येव असंक्रान्तमासो अधिमासः इति स्फुटः स्याद् द्विसंक्रान्तिमासः छयाख्यः कदाचित् कदाचित् छयमासो भवति, यथा अधिमासः अस्ति तथा कदाचित् छयमासो भवति। छयः कार्तिकादि त्रये नान्यत् स्यात् तदा वर्षमध्ये अधिमासद्वयञ्च इति ज्योतिषसिद्धः। परञ्च अस्मिन् विषये अस्माकं पौरोहित्ये अथवा भारतीय संस्कृतौ एका प्रसिद्धा परम्परा सर्वे जानन्ति। अस्मिन् परम्परायां त्रयस्त्रिंशत् अपूपानां दानं क्रियते अधिमासे, अधिमासे बहूनि कृत्यानि सन्ति,
बहुषां कृत्यानां वर्णनम् अत्र भविष्यति परञ्च तत्र अधिमासः कथम् इत्यस्मिन् विषये तत्र प्राप्यते कि प्रथमाधिकमासमारभ्य त्रिंशत्तमे मासे अतीत इत्यर्थः इदञ्च संभाविभ्रायं न तु नियतं सूर्यगति वैचित्र्यावलम्बेन ज्योतिर्वित् प्रसिद्धेन मानेन त्रिंशत्तम मासात् अर्वात् अपि अधिमास दर्शनात् अतएव त्रिंशत् षट्त्रिंशन् मासस्य बाह्याभ्यंतर योः द्वयोः अधिमासो विकल्पेन बादरायण इति कीर्तितः इति ज्योतिष सागर वचना त्रिंशत् षट्त्रिंशत् त्रिंशत् मासानन्तरं षट्त्रिंशन् मासाभ्यंतरे अधिमासः भवति तत्र त्रिंशत् मासान् ऊर्ध्वं षट्त्रिंशन् मासात् पूर्वं त्रयोदशो मासो भवति इति नियम इति निर्णयामृतोक्तं चिन्तनं विद्यते यत्तु मध्यममानानुसारि वचनं सिद्धान्ते उक्तं द्वात्रिंशदभिर्गतैः मासैः दिनैः षोडशभिस्तथा घटिकानां चतुष्केण सम्पतत्यधिमासकः यद्यपि तदनुसृतं प्राचीनैः तथापि नैतत्त्विकम् एतावता समयेन अधिमासोत्पत्तिपर्याप्त चान्द्रदिनसम्भवप्रदर्शनार्थत्वात् अन्यथा कृष्णद्वितीयायां घटिकाचतुष्टयोपरि अधिमासप्रवृत्तस्यापत्तेः न च एतद् इष्टम् इन्द्राग्नि यत्र भूयेते मासादिपरिकीर्तितः अग्निसोमो स्थितौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौ तम् अतिक्रम्य तु यदा रविर्गच्छेत् कदाचन आद्यो मलिं लिचो गेयो द्वितीयः प्राकृतः स्मृतः श्रौतयागेषु यत्र चतुर्मासस्य चातुर्मासस्य यागस्य वर्णनम् अस्ति तर्हि चतुर्षु मासेषु अनुष्ठेयत्वात् चातुर्मास यागः करणीयो भवति परञ्च चतुर्षु यागेषु मध्ये वर्षः पूर्णं भवति परञ्च अधिमासः भविष्यति चेत् वर्षपूर्तिर्न भविष्यति एकोऽधिकः मासः भविष्यति तर्हि सः कः सः अधिमासः अनेन प्रकारेण यथा वार्षिकश्राद्धं भवति तस्यापि तत्र काठिन्यं भवति यतोहि द्वादशमासेषु कृत्यम् अस्ति वार्षिकश्राद्धं परञ्च मध्ये यदि अधिकः मासः आगच्छति चेत् तस्य कृते अन्या व्यवस्था तत्र व्यवस्थापितम् एवमेव प्रकारेण सिद्धान्तशिरोमणिवचः विद्यते माधवीये ग्रन्थे कि गते अवधि अद्रिन नंदैर मिते साग कलै तिथिसैर भविष्यति यथांगाक्ष सूर्यैः गजाद्यग्नि भूभिस्तथा प्रायसोयम् कुवेदेन्दुभिः स्यात् क्वचित् गोकुभिः च अत्र सकसंबंधिनी कालैः यद्भिर्वर्षै मितै गतै कश्चित् क्षयमासो गतः कश्चित् भविष्यतीति श्लोकार्थः तृतीयान्तानि संख्यापराणि अब्धयः चत्वारः अद्रयः सप्त नन्दा नव अङ्कानां वामतो गतिरितिया इति अङ्कप्रक्षेपे चतुः सप्तति अधिक नवशतसङ्ख्यैः इत्यर्थः तत्र ज्योतिषे स्पष्टमस्ति तिथयः पञ्चदशः ईशा एकादश ततश्च पञ्चदशाधिकैकशतयुक्तसहस्रसङ्ख्यैः इत्यर्थः अङ्गानि षट् अक्षाणि इन्द्रियाणि पञ्च अद्रयः सप्त गजा अष्टौ अग्नयस्त्रयः भू एका इति सर्वं स्पष्टम् अस्ति अत्र बहु वक्तव्यं विद्यते परञ्च तत्र कार्यकार्यनिर्णयः
किम अस्ति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विशेषः अस्ति तत्र तः अस्य अत्र तस्य वर्णनं क्रियते कि नित्य नैमित्तिके कुर्यात् प्रयतः सन्मणिं रुचि इति बृहस्पति वचनम् अस्ति इष्ट्यादि सर्वकाम्यं तु मलमासे विवर्जये माधव उदाहरित स्मृति वचनात् च काम्यानां सर्वेषां अकर्तव्यता नित्य नैमित्तिकानां च सर्वेषां कर्तव्यता प्रतीयते तथापि यत् कर्म मलमासे कर्तव्यतया प्रसक्तम् अपि तद उत्तर शुद्धे कृतम् इष्ट प्राप्त्या अकरण निमित्तानि इष्ट निवृत्त्यैव प्रभवति तत्र त्रिविधमपि न कार्यं यथा ज्योतिष्टोम इत्यादि पुत्र कामेष्ट्यादि मलमासे एव कृतं ताभ्यां प्रभवति तत् त्रिविधमपि न कार्यं यथा अग्निहोत्र ग्रहण स्नान कारीरी इत्यादि अग्निहोत्र अग्निहोत्रे आदौ अग्न्याधानं क्रियते तर्हि आधान कर्म कदा कुर्यात् कदा न कुर्यात् इत्यस्मिन् विषये यथा श्रौतेषु प्रतिपादितम् अस्ति श्रौत नियमाः सन्ति तत्र स्पष्टमस्ति अस्मिन् अधिमासे अग्निहोत्र ग्रहणं न भविष्यति पूर्वम् अग्निहोत्रं यदि अस्ति चेत् तस्य आधानं तस्य सम्पादनं नित्यदृष्ट्या कर्तुं शक्यते यतोहि अग्निहोत्रं नित्यकरम् अस्ति तर्हि स्नानकारीरी कारीरी एका इष्टिः अस्ति कारीरी इष्टिः वृष्ट्यर्थं कार्यते यत्र कुत्रापि वृष्टिः न भवति तत्र यदि कारीरी इष्टिः क्रियते चेत् वृष्टेः प्रभावः तस्मिन् क्षेत्रे भविष्यति इति सिद्धान्तं सुसम्पन्नम् अस्ति तथा वैदिकाः प्रयोगम् अपि यदा कदा यत्र कुत्रापि कुर्वन्ति एवं रक्षो गृहीत बालस्य जीवनार्था रक्षोग्नि इष्टि आग्नेये रक्षोग्ने पुरोडासम अष्टाकपालं निर्वपे इति तत्र विहिता आग्ना वैष्णवमेकादश कपालं निर्वपेत अभिचरण प्रतिवै पुरस्तात् अभिचरन्तम् अभिचरन्ति द्वे द्वे पुरोनु वाक्ये कुर्यात् इति अभिचरतः प्रत्यभिचरतश्च एके एक एव इष्टिर्विहिता प्रत्यभिचरतो द्वे द्वे पुरोनुवाक्ये इति विशेषः तत्र याज्या पुरोनुवाक्या इति यत् यस्य सिद्धान्तं यत्र सिद्धान्तं सर्वम् अस्ति तत् सर्वं भवन्तः जानन्ति तस्मिन् विषये किञ्चित् विशिष्टं वक्तव्यं नास्ति काठकगृहसूत्रे अस्मिन् विषये किं प्राप्यते मले अन्य गतिं कुर्यान् नित्यां नैमित्तिकीं क्रियां अत्र नित्यां नैमित्तिकीं काम्योपलक्षणम् अनन्य गतिं क्रियां कुर्यात् इति एव विवक्षितं तावता नित्यनैमित्तिकयोः अपि संग्रहात् अन्यथा तयोः प्रत्येक संबंधि विधाने वाक्यभेदापत्तेश्च असूर्यानां जे मासा न तेषु मम सम्मताः व्रतानां चैव यज्ञानां आरंभाश्च समाप्तयः इति स्मृति ग्रंथेषु प्राप्यते अधिमासं एव किञ्चित् कर्तव्यं विद्यते शुद्धोत्तर मासेव किञ्चित् निमित्तवशात् उभयत्रापि किञ्चित् तत्र हेमाद्रौ पादमे दानं विहितम् अधिमासे तु संप्राप्ते गुड सर्पिर्युतानि च त्रयस्त्रिंशत् अपूपानि दातव्यानि दिने दिने गुड सर्पि युतानि सर्पिनां घृतं गुडञ्च अस्य दानम् अपि अधिमासे कर्तव्यम् साज्यानि गुडमिश्राणि अधिमासे नृपोत्तम यावन्ति तत्र छिद्राणि अपूपस्य च पार्थिवः तावद् वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते इति तत्र लिखितम् अस्ति यथा मया पूर्वं प्रतिपादितं कि विष्णुरूपी सहस्रांशु सर्वपाप प्रणाशनः अधिमासः पुरुषोत्तम मासः किमर्थमस्ति तथा
अधिमासस्य स्वरूपं विष्णु स्वरूपं कथम अस्ति, संयोजक मध्ये संयोजक संयोजकत्वे अपि संपादितं यत् तत् तस्य वर्णनम् अत्र प्राप्यते। विष्णुरूपी सहस्रांशु सर्व पाप प्रणाशनम् अपूपा अन्नदानेन मम पापं व्यपोहति इति तत्र लिखितम् अस्ति। अब मलमास मृतानां यदा कदाचित् तस्मिन्नेव मलिने सति तत्रैवं वार्षिकं श्राद्धं कार्यम् इत्यस्मिन् विषये अत्र निर्णयः अस्ति। मलमास मृतानां तु श्राद्धं यत् प्रतिवत्सरं, मलमासे तु तत् कार्यं नान्येषा तु कदाचन इति भृगु उक्तिः विद्यते। नान्येषामिति शुद्धमास मृतानां द्वितीयादि आब्दिक विषयो निषेधः, तदीयमपि प्रथमाब्दिकं तु मलिने एव कार्यम् असंक्रान्ते हि कर्तव्यम् आब्दिकं प्रथमं द्विजैः इति माधवीये हारितस्य वचनं प्राप्यते। तत्र सपिण्डीकरणोत्तरं संवत्सरान्ते कर्तव्यं तु द्वितीयाब्दिकत्वान् निषेध विषय इति केचित् तद् असत्। सांवत्सरिक श्राद्धस्य वत्सरान्ते कर्तव्यतया उत्पन्नस्य वत्सरादि अमृततिथौ प्राप्तरेवाभावा तथा च हेमाद्रि प्रभासखण्डे मृताहनि पितुर्यस्तु न कुर्यात् श्राद्धमादरात् मातुश्चैव वरारोहे वत्सरान्ते मृतेहनि नाहं तस्य महादेवी पूजां गृह्णामि नो हरिः। अनेन प्रकारेण तत्र श्राद्ध विषये अपि चिन्तनं कृतमस्ति। तत्र सपिण्डीकरण विषये अपि तत्र विशेषतः चिन्तनम् अस्ति, यतोहि सपिण्डीकरणम् अस्ति प्रेतस्य पितॄणां मध्ये परिवर्तनम् इति कार्यमस्ति सपिण्डीकरणं। यदि सपिण्डीकरणं नहि भविष्यति चेत् प्रेतस्य निवृत्तिः नहि भविष्यति, यतोहि षोडशपिण्डाः मलिनषोडशी मध्ये, तदनन्तरं मध्यमषोडशी मध्ये अपि षोडशपिण्डाः, तदनन्तरम् उत्तर उत्तमषोडशी मध्ये अपि षोडश, अष्टचत्वारिंशत् सञ्जातः। आदिकश्राद्धे कृते एकोनपञ्चाशत् सञ्जातः। तदनन्तरम् एव सपिण्डीकरणं भवितुं शक्यते, यस्मिन् प्रेतस्य तत्र सम्मेलनं पितृगणेषु भवितुं शक्यते। तत् सर्वम् अत्र प्रतिपादितं, तत् सर्वम् अत्र भवितुं शक्यते। अनेन प्रकारेण चूडा मौञ्जीबन्धनं च आग्नाधेयं महालयं राज्याभिषेकं काम्यं च न कुर्यात् भानुलङ्घते। काम्यकर्माणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि काम्यकर्माणि अस्मिन् अधिमासे विवर्जितानि सन्ति। चूड़ा मौंजिम च काम्यम च मलमासे विवर्जये। पूर्वस्मिन् श्लोके अत्र भानुलंघित पदेन पूर्वोक्त संक्रांत उच्यते उत्तरस्य मलमास पद निर्दिष्टस्य तेषु एव कर्मसु उत्तर श्लोके नैव निषेध लाभात्। अतश्च समान विषयत्वाद् अत्र निर्दिष्टानां चूड़ादीनां मंगल पदेन उपादानम् इति बृहस्पतिवाक्ये लिखितं विद्यते। मलमासे अन्यानि बहूनि कार्याणि भवन्ति, यथा पूर्वं निर्धारितं असंक्रान्तिमासो अधिमासः, द्विसंक्रान्तिमासः छयाख्यः कदाचित् भवति एव। अतः अधिमासे विवाह मुण्डन यज्ञोपवीत गृहारंभ गृहप्रवेश वेदव्रत अग्न्याधान वृषोत्सव पर्वोत्सव उपाकृति राज्याभिषेकम सकाम यज्ञादि नववधु प्रवेश दीक्षा ग्रहण बहुमूल्य वस्तु विक्रय भूमि आभूषण वाहन क्रयादि व्रतोद्यापन महादान वापी कूप तड़ागादि प्रतिष्ठा इत्यादीनि कर्माणि न कुर्यान् मलमासे इति तत्र निर्धारितमस्ति। परञ्च मनु स्मृतिग्रन्थे प्राप्यते तीर्थश्राद्धं दर्शश्राद्धं प्रेतश्राद्धं सपिण्डनं चन्द्रसूर्यगृहे स्नानं
मलमाशम विधीयते। तीर्थ श्राद्धम तीर्थ यत श्राद्धम क्रियते तत् तीर्थ श्राद्धम। दर्श श्राद्धम अमावास्यायां क्रियते प्रति अमावास्यायां पितृणां कार्यम अस्ति प्रेत श्राद्धम ते तथैव सपिंडनम चंद सूर्य ग्रहणे अपि स्नानम कर्तुं शक्यते मलमासे। महर्षि वाल्मीकि मतेन कानि कानि खाद्य वस्तूनि सन्ति कानि कानि अखाद्य वस्तूनि सन्ति तथा च तत्र त्रयस्त्रिंशत् देवतानां नामानि अपि विदितानि सन्ति। विष्णु तत्र प्रथमः अस्ति विष्णु पुरुषोत्तम मासः कथम अस्ति यतो हि प्रथमः अस्ति देवः विष्णु। तर्हि त्रयस्त्रिंशत् देवाः के सन्ति इत्यस्मिन् विषये अत्र प्रतिपाद्यते। विष्णुः जिष्णुः महाविष्णुः हरिः कृष्णः अदुक्षजः केशवः माधवः रामः अच्युतः पुरुषोत्तमः गोविन्दः वामनः श्रीशः श्रीकृष्णः विश्वसाक्षिणः नारायणः मधुरिपु अनिरुद्धः त्रिविक्रमः वासुदेवः जगद्योनिः अनन्तः शेषसायिनः शङ्कर्षणः प्रद्युम्नः दैत्यारी जनार्दनः रावसः दामोदरः महार्दनः श्रीप्रतिः श्रीपतिः इत्यादि त्रयस्त्रिंशत् देवाः अस्मिन् अधिमासे देवाः भवन्ति। अधिमासे वस्तुतः यानि नित्यनैमित्तिकानि कर्माणि सन्ति तानि सर्वाणि क्रियमाणानि भवन्ति तस्मिन् निषेधः नास्ति। परञ्च काम्यकर्मणां मध्ये निषेधः अस्ति काम्यकर्मणां सम्पादनम् अस्मिन् मासे न भवति। अधिमासस्य अनेन प्रकारेण बहु वैशिष्ट्यमस्ति भवन्तः सर्वे जानन्ति। इति उक्त्वा अहं विरमामि। नमो नमः। वयं धन्यास्मः आचार्यपादानां व्याख्यानेन। वस्तुतः याः शङ्काः वर्तन्ते तासां समेषां शङ्कानां परिहारः आचार्यैः कृतः। वस्तुतः धन्योऽस्मि। कुलपतिमहोदयानाम् आशीर्वचांसि अस्माभिः तत्र अस्माकं कृते भवेयुः। ततः परम् अहं प्रार्थये अस्माकं मध्ये विराजमानाः सन्ति मान्याः शम्भुकुमारझामहोदयाः। तत्र अधिकमासम् अवलम्ब्यैव भवतां यदि किञ्चित् वक्तव्यं भवति तर्हि अस्माकं कृते सौभाग्यम्। अच्छा बोलो जी बताओ। हाँ अब एक बार बोल रहे रजिस्ट्रार को है मेरा प्रश्न था आपने जो सपिंडीकरणम अधिक हाँ यदि प्रश्नः सन्ति हाँ तरी मम प्रश्नः सपिंडीकरणम भवति न वा अधिकमासे सपिंडीकरणम भवति न वा अधिकमासे येषां मरणम अधिकमासे जातम तेषां वार्षिकं श्राद्धं कदा भवति। एकादशे द्वादशे वा दिवसे क्रियते परञ्च तदा यो भविष्यति यता एकोनपञ्चाशत् पिण्डानां प्रदानं सञ्जातं। यावत् एकोनपञ्चाशत् पिण्डानां दानं नहि भविष्यति चेत् न भविष्यति सपिण्डीकरणम्। अस्मात् एव कारणात् एकादशे दिवसे न भवितुं शक्यते यतो हि दशमे दिवसे मलिनषोडशी सम्पन्नं जातम् अनन्तरं मध्यम षोडशी अस्ति उत्तम षोडशी अस्ति
यावत उत्तम षोडशी नहीं भविष्यति तावत अष्टचत्वारिंशत् पिण्डाः न भविष्यन्ति। यावत अष्टचत्वारिंशत् पिण्डाः न भविष्यन्ति तावत सपिण्डीकरणं कर्तुमेव न शक्यते। अतो हेतो प्रायशः लोके किं दृश्यते द्वादशे दिवसे एव सपिण्डीकरणं भवति। एकादशे दिवसे कर्तुं शक्यते परञ्च कार्याधिक्यं भविष्यति अतः एकादशे दिवसे सपिण्डीकरणं न भवति। अब एवं चिंतनं करोतु यस्य मृत्युः अभवत् तथा च कार्यक्रमस्य तस्य संपादनम् अर्थात् एकादश द्वादश दिवसः अधिमासे आगच्छत् तर्हि अधिमासे सपिण्डीकरणं भवितुं शक्यते न वा। इति अधिमासे तु आगच्छत् अधिमासे मरणम् अभवत् उत वा पूर्वे मरणम् अभवत् कार्यक्रमः अधिमासे आगच्छति तर्हि तस्मिन् काले अपि सपिण्डीकरणं कर्तुं शक्यते यथा मया अस्मिन् श्लोके उच्चारितं कि तीर्थश्राद्धं दर्शश्राद्धं सपिण्डीकरणम् इत्यादि तर्हि तत्र भवितुं शक्यते तत्रापत्ति न। तत्र अधिमासे पिण्डस्य अधिकता भविष्यति परञ्च मासः सैव स्वीक्रियते यथा श्रावणमासे अधिमासः अस्ति परञ्च श्रावणमासः सर्वेषु वर्षेषु आगमिष्यति है न। अधिमासः आगमिष्यति उत्वा न आगमिष्यति तत्र आपत्ति नास्ति परञ्च वार्षिकश्राद्धं क्रियते चेत् तत्र त्रयोदशमासस्य यानि अधिमासस्य एकः अधिकः पिण्डः दीयते इति तत्र एव कर्तव्यम्। प्राप्ते अधिमासो भवेत् यदि मासद्वयेपि कुरुवीत श्राद्धम् एवं न मुह्यति। यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में पड़े या किसी की मृत्यु मलमास में हो तो उसका संपादन दोनों मासों में करना चाहिए। दोनों मासों का यहाँ तात्पर्य मतलब जिस श्रावण में भी करे और अधिक मास में भी करे। अब अधिक मास आया आश्विन का तो फिर वो श्रावण वाले अधिक मास के अंदर करेगा कि नहीं करेगा वो उत्तर नहीं। तत्र नियम अस्ति नाहं वेदवेशं जानामि पौरोहित्यं न जानामि अतः किमपि परञ्च एवं दृश्यते यत् अमावस्या परिच्छिन्ना रविशङ्क्रान्तवर्जितः गर्हितं सर्वकर्मषु मलमासं तु विज्ञेयात् गर्हितं सर्वकर्मषु। तो अमावस्या परिच्छिन्ना रविशङ्क्रांत वर्जितः मलमासं तु विज्ञेयात् गर्हितं सर्वकर्मषु। एकस्मिन् स्थले गर्हितं सर्वकर्मषु इत्येव लिखितमस्ति। मलमास इति पदेनैव मलमासः दुष्टः मासः इत्यपि उच्यते। एतावता यो हि दुष्टः मासः सैव पुरुषोत्तममास इति पदेन व्यवह्रियते इति कथं चेत्।
अतः तत्र किमपि वैशिष्ट्यं स्यात् मलमासेपि तस्य पुरुषोत्तमत्वं यदि चेत् तर्हि मासे दोषः कथं यदि दोषः नास्ति तर्हि कर्मसु कथं परित्यागः तर्हि कर्माणि कर्मणां परित्यागः कथं स्यात् अस्मिन् मासे इत्यपि विचारणीयः इति एका जिज्ञासा मम मनसि इदानीम् आगता अस्ति साधु आचार्याः बहु शोभनम् उक्तं यतो हि दुष्टः मासः कस्य कृते कर्मणां संपादनम् अत्र जातं नित्यकर्माणि नैमित्तिककर्माणि काम्यकर्माणि च परञ्च नित्य नैमित्तिककर्माणि करणीयानि सन्ति काम्यकर्माणि यानि सन्ति तानि सर्वाणि वर्जितानि सन्ति तर्हि सर्वकर्मसु इत्यत्र काम्यकर्माणि यानि सर्वकर्माणि सन्ति यतोहि काम्ये बहूनि कर्माणि सन्ति तर्हि तत्र काम्ये यानि सर्वाणि कर्माणि सन्ति तानि सर्वाणि वर्जितानि सन्ति इति अपि तत्र भावः भवितुं शक्यते इति मया तत् अन्यत् सर्वं भवन्तः जानन्ति आम् ज्योतिषस्य विषयः अपि माननीयः सद्ये कुलपतिचरणाः माननीयः प्रोफेसर राम उपाध्यायवर्यः कुलसचिवमहोदयः सर्वे विद्वांसः अस्माकं विषयस्तु अस्मदीयः किन्तु विना वेदं तु एतत् न चलति अग्रे यतोहि मलिमृजमासस्य महत्त्वमेव तादृशं वर्तते अत्र सिद्धान्तशिरोमणेः उल्लेखः वारं वारं जातम् असङ्क्रान्तिमासः क्षया असङ्क्रान्तिमासोधिमासस्य प्रंशात् द्विसङ्क्रान्तिमासः क्षयाख्ये कदाचित् क्षयः कार्तिकादित्रये नान्यतया स्यात् तदा वर्षमध्ये मासद्वयं च इति अत्र असङ्क्रान्तिमासः कथम् अत्र सामान्यानां जिज्ञासां किञ्चित् वक्तुमिच्छामि नवधा कालमानानि सन्ति ब्राह्मं दिव्यं तथा पैत्र्यं प्राजापत्यं च गौरवं सौरं च सावनं चान्द्रम् आक्षं मानानि वै नव अत्रापि चत्वारि मानानि साक्षात् अस्मल्लोके प्रचलितानि इदानीं सन्ति सावनमानमस्ति इनोदयद्वान्तरं तदर्गसावनं दिनं तदेव मेदिनीदिनं भवासुरस्तु भद्रमः सावनदिनं प्रचलितमस्ति नाक्षत्रमानमपि प्रचलितमस्ति अपरम् अवशिष्टं द्वयमस्ति सौरं चान्द्रं प्रथमं तु भवति चान्द्रमानं तत्र अमान्तादमान्तं भवेत् चान्द्रमासः इति अमान्ताद् दश सूर्येन्दुसङ्गमे भवद्भिः उक्तं एव अत्यन्तं श्रद्धप्रमाणं भवद्भिः उक्तम् अमान्ते सूर्यचन्द्रयोः एक समराशिकलावयवादिकं भवति अनन्तरम् अमान्तादमान्तं चान्द्रमासे भवति रवेः चक्रभोगोर्गपथप्रतिष्ठितः तर्हि सङ्क्रान्तिमानात् सौरमासस्य गणना भवति अमान्ताद् अमान्तं यावद् यदि एकः सौरसङ्क्रमः भवति तदा से पूर्णः मासः इति कथ्यते नामान्यपि तथैव उक्तानि चित्रानक्षत्रेण सह वर्तते चैत्रमासः पूर्णिमा यदा भवति विशाखातवैशाखमासः एवं सर्वं निर्धारितमस्ति आचार्यैः अत्र असङ्क्रान्तिमासः इत्यत्र अहं वच्मि एक अमान्ताद् पूर्वम् एकः सङ्क्रमः वर्तते चतुर्दश्यां भवतु त्रयोदश्यां वा भवतु अग्रिम अमान्ताद् अनन्तरं द्वितीयः सङ्क्रमः भवति अतः अमान्तद्वयोर्मध्ये एकेपि सङ्क्रमः नास्ति अतः सः मासः अधिमासः इति कल्पितः वर्तते यदि स्पष्टमानतः यदि वयं चिन्तयामः एकमासे चतुष्पञ्चाशत् घटिकाः सामान्यतः चतुष्पञ्चाशत् घटिकाः एवं लभ्यन्ते आहृत्य यदि गणनां कुर्मः द्वात्रिंशत् मासेषु उष्णमासादिकं द्वात्रिंशत् मासेषु एवं प्रकारेण एकस्य अधिमासस्य गणना भवितुं शक्नोति अत्रापि एकः एकं कारणं वर्तते किमर्थम् एतत् अन्तरम् आयाति कोऽपि ग्रहः स्वकीय उच्चभागे यदा भवति तर्हि तस्य ग्रहस्य गतिः मन्दा भवति अतः सः अधिकेन कालेन मासपूर्तिं करोति यदा ग्रहः नीचराशौ भवति तदा गतिः शीघ्रं भवति क्षणेनैव सः मासपूर्तिं करोति अर्थात् शीघ्रमेव करोति त्रिंशत् दिनात् किञ्चित् न्यूनतया नवविंशतिदिनेषु एव करोति एवं प्रकारेण यदा स्थितिः भवति तदा अधिकमासस्य सम्भावना भवति क्षये मासे कदा भवति कदाचित् सूर्यः नीचराशौ भवेत्
चंद्रस्य स्थिति अधिकाधिक रूपेण अधिका तस्याम अवस्थायां भवेत् तदा कदाचित् सूर्यमासस्य अर्थात संक्रम द्वयस्य आनंद मध्य काले भवति सेपि न्यून भवितुम् अर्हति तदा क्षयमासस्य संभावना भवति अर्थात अमांताद अनंतरम एके संक्रमे भवति रवि संक्रांति भवति द्वितीय अमांताद पूर्वम एव एके संक्रमे भवति एवं मासे संक्रांति द्वयम् भवति अतएव तस्मिन् समये यस्मिन् मासे सा स्थिति भवति तस्य क्षयः भवति अग्रिम मासात् अनन्तरं से यः मासः अस्ति सः आगमिष्यति एवं सा स्थितिः भवति पुरुषोत्तम मासे यदा यथा अस्माभिः आचार्यैः उक्तम् एतस्य वेदमध्ये तु बहुषु श्रुतिषु तत्र लिखितमस्ति एतस्मिन् विषये स्वर्भानो विषये ग्रहण विषये पुनश्च अत्र मासस्यापि विषये तैत्रीयसंहितायामपि वर्तते तत्र बादरायणस्य भवद्भिः उदाहरणं प्रदत्तमेव अत्यन्तं शोभनं व्याख्यानं श्रीपद्भिः प्रदत्तम् अत्र तर्हि एषः उत्तममासः अस्ति किमर्थं द्वादशमासः चान्द्रमासः अपि भवन्ति संक्रमणः अपि भवन्ति अतिरिक्तयो अत्र अस्माभिः प्राप्यते तत्र किञ्चित् विशिष्टं कर्तव्यम् विशिष्टं नाम किं ग्रही अस्मा पिण्डे अस्माकं ब्रह्माण्डेन सह सम्बन्धित अस्ति तादात्म्यं वर्तते यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे इति तु श्रुतिवचनमपि अस्ति अतः यदि तादृशं किञ्चित् नूतनम् अस्माकं पिण्डेन क्रियते तर्हि साक्षात् विष्णुलोकेन साक्षात् ब्रह्माण्डेन साक्षात् पॉजिटिव् एनर्जी मध्ये तेन सम्पर्कः भवति अतः एतस्मिन् काले तादृशाः तादृशानि कार्याणि कार्यक्रमाः वा एतादृशः करणीयाः येन अस्माकं पिण्डस्यापि तत्र ऊर्जायाः वृद्धिः भवति भवेत् एवं प्रकारेण खैर एतत्तु भवतां वेदविषयम् आधारित कृत्य अत्र उक्तं किन्तु ज्योतिषशास्त्रे अध्यायरूपेण एतस्य विवेचनं वर्तते सिद्धान्तशिरोमणोऽपि वर्तते अस्माकं तत्र आचार्य सिद्धान्तत्वविवेके कमलाकरेणापि पृथक् अध्यायरूपेण तस्य प्रतिपादनं कृतम् एवं प्रकारेण बहु सुन्दरम् अतः क्षन्तव्योऽयं जनः यदि अधिकं किञ्चित् भाषितम् बहु शोभनं यतोहि अस्माकं शोधे अपि भवतः ये ये विषयाः प्रतिपादिताः ते सर्वे विषयाः अत्र सन्ति यतोहि एकः ग्रन्थः अस्ति स्मृतिकौस्तुभः तर्हि स्मृतिकौस्तुभः वस्तुतः धर्मशास्त्रस्य ग्रन्थः अस्ति परञ्च अस्माकं पौरोहित्ये पाठ्यते है न तर्हि स्मृतिग्रन्थेषु अस्मिन् विषये के विचाराः सन्ति एतत् सर्वं यदस्ति तत् तत्र प्रतिपादितमस्ति लिखितमस्ति तर्हि बहु शोभनं बहु समीचीनं भवद्भिः उक्तं प्रतीयते यदा रविसङ्क्रान्तिः भवति रविसङ्क्रान्तिविवर्जितत्वात् यतोहि सर्वाण्यपि कार्याणि रविसङ्क्रमणे कुर्यात् इति कृत्वा इदानीं भूमण्डले अस्माकं मासमध्ये रविसङ्क्रान्तिः नास्ति कोऽयं रविः इति चेत् साक्षात् विष्णुरूपः स एव रविः विष्णौ तावद् समवेताः भवन्ति एतावता स एव मासः विष्णु पुरुषोत्तममासः विष्णुपदेन अभिधीयते चेत् तर्हि लोके सूर्यस्य तादृशवैशिष्ट्यं पुण्यत्वं वा न भवति एतावता यतोहि रविसङ्क्रान्ते मलमासे गोविन्दो गच्छति मर्कटे गोविन्दः मर्कटे निवासे कुर्वन्ति एतावता किं भवति तत्र पुण्योदयः नास्ति अत्र परञ्च स च सूर्यसङ्क्रान्ति सङ्क्रान्तत्वात् विष्णुगतत्वात् स विष्णु एव पूजनीयः अतः इदानीं लौकिकः पुण्योदयः कालः नास्ति इति कृत्वा गर्हितं सर्वकर्मसु इति मन्ये उच्यते अत एव असक्रान्तिः इति अग्निसोमात्मकं जगत् इति भवता उक्तमेव इदं शरीरम् अत्रापि 90% भागस्तु केवलम् अग्निसोमात्मकम् एवमेव अस्ति पञ्चग्रहाणां रक्तमज्जा इत्यादिकं वसा इत्यादिकं तु केवलं पञ्चग्रहाणामेव ताराग्रहाणामेव किञ्चित् वर्तते एतस्मिन् पिण्डे अधिकांशभागस्तु सूर्यचन्द्रयोरेव वर्तते एवं चिन्तयामः स्केलेटन् इति वर्तते तत्तु सूर्यस्यैव वर्तते अस्थि प्रधानः सूर्य अस्ति मध्ये किञ्चित् रक्तमज्जादिकं किञ्चिदस्ति तत् चन्द्रस्य वर्तते अतः सूर्यचन्द्रयोः यथा आकाशे भवति तथैव एतस्मिन् पिण्डे एतस्मिन् पिण्डे यादृशं महत्त्वम् एतेषाम् एतयोः वर्तते
तयोः महत्वाधिक्यम् इतोपि कथं वर्धयेत् तदर्थम् एतस्मिन् मासे वैशिष्ट्यं किञ्चित् करणीयं तेन वृद्धिर्भवेत् एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी वृद्धिर्भवेत् किञ्चित् तदर्थं तस्यैव विष्णुरूपकं यथा भवती उक्तमेव तदेव अत्र आगतं प्रणामः शोभनम् अतीव समीचीनमस्ति यतोहि अधिमासे यथा भवन्तः वदन्ति मलिम्लुचः मासः दुष्टः मासः तर्हि पुरुषोत्तमः मासः कथं यदि पुरुषोत्तमः मासः तर्हि दुष्टः मासः कथं पूर्ण मुख्यरूपेण महोदयानां प्रमुखः प्रश्नः परञ्च जस्य जस्य कार्यस्य कृते शोभनं नास्ति तस्य तस्य कार्यस्य कृते सः मासः दुष्टः मासः जस्य जस्य कार्यस्य कृते उत्तमः अस्ति तर्हि पुरुषोत्तमः मासः कार्याधारीकृत्य इति चिन्तनं कर्तुं शक्यते कः उत्तमः कः दुष्टः एकः जनः दुष्टोपि भवितुं शक्यते उत्तमोपि भवितुं शक्यते जस्य आचार्याः प्रार्थ्यन्ते ततः प्राक् अहं निवेदयामि आचार्य मम निवेदनमस्ति वेदेषु अयं मासः दुष्टमासः वेदेषु कुत्रापि यस्य मासस्य नाम पुरुषोत्तममास इति मास इति नास्ति इति अहं मन्ये तत्तु तत्तु अहं किञ्चिदेव पुराणेषु याः कथाः वर्तन्ते तत्र अयं मासः पुरुषोत्तममासः वर्तते परं पुराणेष्वपि या वैदिकीभावना वर्तते दुष्टमासः इति वेदानां यत् कथनमस्ति तत् पुराणेनापि अङ्गीकृतं पुराणेषु अपि तदेव भावः वर्तते अतः तत्र कथादिश्रीमद्भागवतं श्रवणीयम् अन्ये तत्र पूजा उपासना इत्यादिकाः भवन्ति अतः मन्ये तत्र वेदेषु अयं मासः दुष्टमासः पुराणेषु पुरुषोत्तमः मासः हमारे यहाँ सूर्य के संबंध में कहा जाता है कि सूर्य आत्मा तथा कस्तुकस्य तो सूर्य हमारा आत्मकारक है चंद्रमा हमारा मन का कारक है संपूर्ण सिद्धांत ग्रंथों में एक तरफ से कहा गया है कि मेषादिस्थे सवितरी योजो मासः प्रपूर्यते स सान्द्रः एक कहा दूसरे तरफ कहता है गोलस्तु जब हम गोल का विचार करते जब हम वर्ष का विचार करते हैं तो वर्षास्तु सौराः मासास्तु सान्द्राः तिथयः मासास्तु सान्द्राः दिनं तु श्रावणम् कालः तु नक्षत्रमिति अयं सिद्धान्तः मुख्यतया वर्तते तत्र खण्डनं मण्डनं तु सर्वत्र कृतमेव किन्तु मुख्यतया यत् सिद्धान्तः वर्तते तत्र सूर्यस्य तत्र संक्रान्तिर्न भवति तस्मात् कारणात् अधिमासस्य केवलं संज्ञा भवति वस्तुतः अधिमासस्य गणना शुद्धमासेषु न क्रियते अशुद्धमासः भवति अत एव अस्मिन् समये पूजादिकं धर्मानुष्ठादिकं कार्यं क्रियते यतोहि भगवतः विष्णोः उपासना एव असङ्कृतत्वात् सूर्यस्य सङ्क्रान्तिर्न भवति अस्मात् कारणात् मासं मासः शुद्धः न भवति इसका इसमें जो आपने पूछा तो इसमें सर एक कथा आती है कि इसको दुष्ट मास कहते थे तो वो दुखी होके जो मास था वो भगवान विष्णु के पास गया कि मुझे सब दुष्ट कहते हैं कोई मेरा सम्मान नहीं करता कोई शुभ कार्य इसके अंदर शुभ कार्य नहीं होता तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कर बोले मैं व्यवस्था देरी करता हूँ तो उन्होंने कहा कि अब मैं फिर उन्होंने ऐसा विधान किया कि इस मास का अधिपति मैं स्वयं होऊंगा और इस मास के अंदर जो भी दान पुण्य शुभ कार्य इत्यादि करेगा उसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और इसका विधान किया तो इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा और उसके साथ में ये भोजन वगैरह का भी होना चाहिए
इदानीम् अस्माकं गुरवः राजस्थान मंत्र प्रतिष्ठानस्य निदेशकः वेदमूर्तयः आचार्याः प्रार्थ्यन्ते। नमो नमः। अयं मासः दुष्टः पुरुषोत्तमो वा वदति सत्पथ ब्राह्मणे द्वादश वै मासः संवत्सरस्य द्वादशे मे पुरुषे प्राणाः अत्र तत्समम् त्रयोदश वै मासः संवत्सरस्य त्रयोदशे मे पुरुषे प्राणाः नाभिस्त्रयोदशी अत्र तत्समम्। अनेन विज्ञायते यद् भगवती श्रुति सातपदी श्रुति वदति त्रयोदश वै मासः संवत्सरस्य ये बारह मास या तेरह मास, ये बारह मास है या तेरह मास है, तो गीता में गुरुजी का कई बार सुना हूँ, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे त्रिदाहृता यो लोकत्रय माविष्या विभक्त्या व्यय ईश्वर। ये अन्य मास आप इसको कह सकते हैं, ये बारह मास तक अभी तक तो सुना था, ये तेरहवा कहाँ से आ गया? जैसे वहाँ अन्य कहते हैं पुरुष उत्तम पुरुष अन्य, तो अन्य अत्र उत्तम पुरुष मास वर्तते, ये अन्य मास है, ये उत्तम पुरुष का मास है। दूसरी बात, अधि मास जब हम कहते हैं तो अधि मास में अधि और मास तो ये निरुक्तकार कहते हैं अधिति उपरिभावम ऐश्वर्यम वा, अधि जो उपसर्ग है वह उपरिभाव या ऐश्वर्य का बोध कराने वाला है। तस्मात मासो परि अधि, अधि ये सप्तमी अधिकरण में है कि मास के ऊपर में है, सबसे ऊपर में है, तथा शिरस्थानीय अयम मास या शिरस्थानीय मास है, इसलिए इसको अधिमास कहा गया है। और अधिमास में सर ने प्रोफेसर साहब ने सब कुछ बता दिया जो क्या वर्ज्य है, क्या करना चाहिए। अस्माकं मैथिलानां मध्ये श्राद्धं भवति, श्राद्ध मध्ये किं वर्तते द्वादशाहे संकल्प भवति, यदि षण्मासा बधौ अधिमासा पतति, हिंदी में कहना था, अगर छः महीने के मध्य में अगर अधिमास आ रहा है तो पहले द्वादशा के दिन वहाँ श्राद्ध में संकल्प करते हैं, तो षोडश श्राद्धांतर्गत ये सामान्य संकल्प है, लेकिन अधिमास अगर आ रहा है वर्ष के मध्य में तो वहाँ पर हम संकल्प करवाएंगे सप्तदश श्राद्धांतर्गत, प्रथम मासिक श्राद्ध महंकर करिष्ये, द्वितीय मासिक, और जब उन मासिक षाण मासिक और फिर द्वादश मासिक और फिर त्रयोदश, चौदह जो वहाँ होते हैं वहाँ सोलह हो जाते हैं, पंद्रह हो जाते हैं, इस तरह से वहाँ सप्तदश मास का श्राद्ध, वहाँ ये सप्तदश श्राद्ध का विधान किया जाता है। उत्तम षोडशी, मलिन षोडशी, ये सपिंडन, ये जितनी भी विधान है हमारे यहाँ द्वादशा को समाप्त कर दिए जाते हैं। अब रही बात जो मृत्यु हो गई तो उसका वार्षिक कब करेंगे, तो द्वादशा को जब आपने सब कुछ पूर्ण कर लिया, जैसे बहुत जगह दक्षिण भारत में संभवतः द्वादशा को सब कुछ पूर्ण नहीं करते हैं, वो सपिंडीकरण नहीं करते हैं, तो द्वादशा को सपिंडीकरण नहीं करके वर्ष पर्यंत मासिक श्राद्ध करते हैं, तो अब उनके लिए असोच की प्रवृत्ति वो वर्ष पर्यंत रही तो गई, ऐसे में अगर उनके यहाँ पर में ये अधिमास का बात आया तो उनको फिर आगे करना पड़ेगा, और वो बीच में एक साल नहीं करे क्या करे, वो उनके लिए विचारणीय है। लेकिन अस्माकम औदिच्या नाम जत्र द्वादशा है तो सांबत तो पिंड सम्मेलन क्रिया भवती तत्र नायम विचार प्रसरति जत अग्रिमे वर्षे अस्य वार्षिकम श्राद्धम कला भवेत यदि चेत तो मृत अधिमासे कस्यापि मरणं भवति तर्हि यदा अधिमास आगच्छति तर्हि तस्य पुनः वार्षिकं श्राद्धं तृतीयं तत्रैव कर्तव्यम्। अनेन प्रकारेण अयं नियमः वर्तते। नमो नमः, प्रणमामि सर्वान्। धन्यवादः आचार्याः। धर्मस्य निर्णयोग्येयः मिथिलायाः व्यवहारतः, मैथिलानां तत्र का परम्परा वर्तते इति अस्माभिः तत्र मैथिलेभ्यो नमो नमः। अस्माकं गुरवः एते। इदानीं श्रीमत्कुलपतिचरणानां चरणान् प्रार्थये यत् अस्मान् सर्वानेव अनुगृह्णन्तु स्वाशिर्वचोभिः। पूज्याः कुलपतिमहोदयः।
जन्माद्यस्य यतो नयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखिल देशालङ्कारभूतस्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से ही पवित्र प्रांगणे समुपस्थिता नाना शास्त्र शास्त्रावगाहन विशदी भूता सपूता उपाध्याय कुलावतंसा विद्वत्सुपश्चिमा वेद वेदांगादि शास्त्रेषु निष्णाता प्रोफेसर रामराज उपाध्याय वर्याः ये खलु श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्या राष्ट्रीय विश्वविद्यालयतः समागताः अथ च वेद विभागस्य आचार्याः शम्भुकुमार झा महोदयः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः प्रोफेसर अथ च सर्वे सामान्येन प्रोफेसरः आपको भी प्रोफेसर लगा दिया ये सिस्टम ने हम मानते हैं तथा च दिवाकर विश्व महाभागाः एवं च शिवाकांत विश्व महाभागाः ज्योतिर्विदः अस्माकं स्नेहवाजाः डॉक्टर कैलाश शर्माणः तथा च वैयाकरणाः दया रामदास महोदयः एवं च अस्माकं भगिन्यः साहित्य विभागाध्यक्षाः अथ च योग विभागस्य प्राध्यापकाः एवं च कुलदीप सिंह महोदयः संदीप डॉक्टर संदीप जोशी महाशयाः डॉक्टर होस्मने महाशयाः ज्योतिर्विदः विद्वांसः डॉक्टर विनोद कुमार शर्माणः अथ च कृतभूरि परिश्रमाः नानाशास्त्रेषु वैयाकरणाः डॉक्टर राजधर मिश्रवर्याः एवं च वेद विभागाध्यक्षाः अथ च अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वित्तनियन्त्रकाः संस्कृतानुरागिणः ये खलु सम्प्रति एम् ए कक्षायां अपि अध्ययनं कुर्वन्ति ज्योतिर्विदः अपि ये खलु वर्तते श्री दुर्गेश राजौरिया महोदयः एवं च अत्र विराजमानाः सर्वे विद्वांसः देव्यः सज्जनाश्च एवं च अस्य कार्यक्रमस्य संचालकोऽपि दर्शनविभागाध्यक्षाः निशम्य लोकोत्तरं व्याख्यानं एषां महाभागानां यत् खलु पुरुषोत्तम मासम् अस्य माहात्म्यम् अधिकृत्य जातम् अथ च जिज्ञासामुखेन एकं बृहत्तरम् अपि व्याख्यानं श्रुतम् अस्माभिः तथा च व्याकरणदृष्ट्या वेददृष्ट्या सामान्यदृष्ट्यापि व्याख्यानं श्रुतं निशम्य व्याख्यानं नरीन्द्रत्यते मोमुद्यते च अस्माकं मनः पुरुषोत्तम मास पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं बैठ करके संस्कृत में बहुत सारा वक्तव्य हुआ अब समझने लायक भी थोड़ा सा हो जाना चाहिए एक प्रश्न किया आपने कि पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं जब ये मल मास है
दुष्ट मास है, अधिक मास है। आपने प्रतिपादित किया कि त्रयोदश मास रोते हैं, तो फिर ये अधिक क्यों है? अगर त्रयोदश मास होते हैं तो फिर इसको हम अधिक मास क्यों कह सकते हैं? और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, क्यों उन्होंने नहीं कहा कि मासों में मैं पुरुषोत्तम मास हूं? मेरे दिमाग में आज ये सवेरे से यह प्रश्न उठा कि मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतुनाम कुसुमाकर, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। क्यों मार्गशीर्ष हूं? क्या वैशिष्ट है मार्गशीर्ष का? आचार्यों ने बताया कि मार्गशीर्ष में हमारी फसलें उत्पन्न होती हैं, सारे प्राणियों का भरण पोषण होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं भरण पोषण करने वाला हूं। और उसी समय भरण पोषण होता है, अनाज उत्पन्न होता है। अस्तु, विद्वानों ने यह आधार लिया, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा होगा ऋतुओं में मैं बसंत हूं, क्योंकि बिना वृष्टि के सारे पौधे सारे वृक्ष सब पुष्पित पल्लवित होते हैं बिना किसी कारण के, स्वाभाविक रूप से, इसलिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन मासानाम मार्गशीर्ष हम क्यों कहा? जब हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है और हम पुरुषोत्तम मास के रूप में कहते हैं, तो फिर यह एक सामान्य विद्यार्थी की जिज्ञासा है। मैं विद्वत्तापूर्ण जिज्ञासा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि विद्वानों की दृष्टि तो रही होगी कुछ। और द्वादश मासों का जो व्युत्पत्ति पूर्वक उनका जो कथन किया गया, फाल्गुन का क्या अर्थ है, ज्येष्ठ का क्या अर्थ है, आषाढ़ का क्या अर्थ है, सबकी व्युत्पत्तियां भी की गई, तो पुरुषोत्तम मास की व्युत्पत्ति क्यों नहीं की जा रही? पुरुषोत्तम में हम लोग समास करते हैं जब पुरुषेष उत्तम, पुरुषाणाम उत्तम, पुरुषेभ्यो उत्तम, क्या यही समास यहां होगा? ये समास अगर होता तो भगवद्गीताकार क्यों कहते उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तम पुरुष है इति पुरुषोत्तम? उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब पुरुषोत्तम नहीं है। उत्तम पुरुष तो वह है जो क्षराद अतिरोहम अक्षराद अपिचोत्तम, जो क्षर से भी अतीत है और अक्षर से भी जो अतीत है। तो जो द्वादश मासों से अतीत है, जब नाम रूप नहीं रह जाता, तो उस नाम रूप से रहित अगर कोई है तो वह पुरुषोत्तम है। इसीलिए द्वादश मास में जब हम द्वादश महीनों के नाम लिए तो ये बच गया। और यह जिज्ञासा जो कौशलेंद्री चले गए थे कि आखिर भगवान कृष्ण ने क्यों कहा कि मासानाम मार्गशीर्षो हम, कह देते कि मासानाम पुरुषोत्तम, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो नाम रूप से बाहर हो वो सब पुरुषोत्तम का स्वरूप है। तो द्वादश महीनों के बाहर का यह जो मास है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इति मे मति आया था। और इसीलिए पूजा पाठ का विशेष महत्व कहा गया। कर्मकांड तो एक पक्ष है कि सपिंडी कब होगी, पिंडदान कब होगा, ये तो कर्मकांड के पक्ष हैं, उसके शास्त्र हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास का केवल एक पक्ष नहीं है, ये दुष्ट मास है। दुष्ट मास बिल्कुल नहीं, वो पुरुषोत्तम मास है। हम वहां कथा कहते हैं, भागवत बांचते हैं, सारे पुराणों का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये द्वादश मासों से अतिरिक्त अधिमास है। और इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जब नाम रूप से बाहर कोई होता है तो उसको ही हम पुरुषोत्तम का स्वरूप मानते हैं। और ज्योतिष के अनुसार तो काल जो है वह निर्गुण है, काल का कोई गुण नहीं है। जब द्वादश मासों में सब का व्याख्यान हो गया तो ये अधिक मास आया, ये निर्गुण ही है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का तात्पर्य यह हुआ कि यह जब तीन वर्ष में एक मास अधिक हो जाता है, उसका कोई नाम नहीं दिया गया जब, तो ये पुरुषोत्तम मास ही है। जिसका कोई नाम ना हो, कोई रूप ना हो, कोई स्वरूप वर्णित ना हो, तो उसको हम पुरुषोत्तम का ही स्वरूप मानते हैं। मेरे विचार से एक यह भी पक्ष हो सकता है, इसमें किसी प्रकार कोई विप्रतिपत्ति नहीं उठ सकती। कर्मकांड के अनुसार तो उठ सकती है, स्मृतियों के अनुसार, श्रुतियों के अनुसार बहुत सारे पक्ष आपने प्रस्तुत किए। लेकिन सामान्य भक्त की दृष्टि से अगर पूछा जाए, सामान्य जो शास्त्र से दूर हैं, जो व्यवहार में चल रहे हैं, अगर उनके मन में ये जिज्ञासा उठ खड़ी हो कि आखिर इसको मलमास क्यों कहते हैं, और आपने जैसा कि बताया कि हम जो काम में करते हैं, काम में कर्म के अलावा सभी कर्म कर रहे हैं, तो
तो पुरुषोत्तम का ज्ञान तो वहां होता है जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान निर्यत निखिल कलमस्त्या नितांत निर्मल स्वांत, जो नितांत निर्मल अंतःकरण वाला है उसके लिए पुरुषोत्तम मास है। ये विशुद्ध मन वाले जो हैं, जिनका चित्त विशुद्ध है, वो इसमें सब कुछ कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य की वह कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि कर्मकांड के आचार्यों से जब उनका संघर्ष हुआ और उनकी मां ने यह कह दिया कि तुम ही हमारा श्राद्ध करोगे, और जब मां का देहांत हुआ और शंकराचार्य पहुंचे तो सारे कर्मकांड के आचार्य वहां इकट्ठे हो गए, कहा कि आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कर्मकांड कैसे करेंगे, आप सन्यासी हैं। उस समय उन्होंने क्या कहा था कि निस्त्रैगुणे पथ विचरताम को विधि को निषेध, मैं उस त्रैगुण से ऊपर हूं, सत्व रजस तमस गुण ताम सिद्ध वर्जन पुरस्तर हूं मैं, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूं, हमारे लिए मैं कोई निषिद्ध है नहीं, कोई विधेय है न कोई विधेय न कोई निषेध। तो पुरुषोत्तम मास में अगर आप पवित्र मन से कुछ करना चाहते हो, जैसे नवरात्र में जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर साइत नहीं पूछते, किसी से मुहूर्त पूछने नहीं जाते, क्योंकि वो जो नौ दिन का समय है वो सर्वथा अनुकूल है सब कार्यों के लिए। उसी तरह से अगर आप किसी पूर्वाग्रह में नहीं हैं, आपके मन में कोई इस प्रकार का विधि निषेध के प्रति पूर्वाग्रह नहीं है, तो आप सब कुछ करें, और अगर है तो उसके लिए हमारी स्मृतियाँ हमारी स्मृतियाँ बहुत सारे प्रमाण हैं, आप जिसको भी प्रमाण ग्रहण करना चाहें तदनुसार प्रमाण उपलब्ध हैं। तो बहुत आनंद आया आज इस व्याख्यान में और बड़ा उपयोगी रहा, क्योंकि व्यावहारिक विषय है, सारे लोग इस समय विविध कर्म हो रहे हैं पूरे देश में मलमास के इस महापर्व पर, अगर महापर्व है फिर मलमास क्यों कहें हम लोग, पुरुषोत्तम मास ही कहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर उपाध्याय जी ने बहुत ही कम समय में हम लोगों को स्वीकृति प्रदान की, और आपने अन्वेषण पूर्वक एक शोध पत्र भी पढ़ा, शोध पर व्याख्यान दिया जो सब प्रमाण है। मल्लिनाथ जी ने कहा है कि नामूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते, तो आपने सब प्रमाण उसको स्थापित किया और हम लोगों ने सुना, बड़ा आनंद आया, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। इसके लिए इस विश्वविद्यालय की ओर से आपको बारंबार अभिनंदन, बारंबार धन्यवाद। हाँ, जिज्ञासु नाम कृते इयं सभा। नहीं, इन्होंने हिंदी में कुछ बताया तो समझ में आया, उस हिसाब से खास धन्यवाद। थैंक यू माननीय कुलपति महोदय और माननीय उपाध्याय साहब और आज की संगोष्ठी में उपस्थित समस्त सहभागीगण और विद्वज्जन, सर्वप्रथम जो आपने पुरुषोत्तम मास का जो ये आज था पूरी संगोष्ठी के अंदर और संस्कृत में काफ़ी समय बाद में सुनना, बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया कि कितनी अच्छी भाषा है और कितनी जिस तरह से इसका जो सुनते हैं तो बड़ा आनंद आया, क्यों राजूरिया साहब आया ना, काफ़ी समय बाद में सुना इतना संस्कृत। और अभी पुरुषोत्तम मास के बारे में था तो मैं तो जैसे जितना इनकी व्याख्या समझ पाया हूँ उसके अनुसार अब ये तय करना पड़ेगा, जैसा कुलपति महोदय ने कहा है कि भाई उत्तम पुरुष वास्तव में अपन इनकी व्याख्या के अनुसार है या नहीं है, और नहीं है तो फिर कैसे बने। तो पुरुष उत्तम बनने के लिए जो प्रयास करना चाहिए उसके लिए अपने को अपने अंतर्मन में विचार करना चाहिए, झांकना चाहिए कि भाई वास्तव में जिस तरह से इन्होंने बताया कि साहब ये इस तरह का दुष्ट माँ है ये है, लेकिन जिसके जिस ऐसे महा में भी यदि आदमी की अंदर से वो पवित्र है और सब कुछ वो कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं। यदि आदमी की शुद्ध भावना है तो उसके लिए सारे दिन अच्छे हैं, सारे महा बढ़िया है और सब चीज़ बढ़िया है, सब मुहूर्त बढ़िया है। तो वो इन्होंने एक मोटा मोटा और उसमें उन्होंने वो पुरुषोत्तम मास की जो व्याख्या की कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई निर्लिप्त नहीं है, वो उसका कोई गुण नहीं है, जैसे 12 आपके मास है उसका तो वर्णन कर दिया, लेकिन इसका वर्णन नहीं है, वो वर्णनातीत है, वर्णन से परे है, वो व्याख्या से भी परे है। और इस तरह से अपने को बनने का प्रयास करना चाहिए, ये भी ऋषि साहब चाह रहे थे। तो मैं सभी जो है उन्होंने जो लास्ट में आता ना मोरल ऑफ द स्टोरी,
तो वो स्टोरी ये है, कौशलेंद्र जी संयोजक है, कि भाई किसी भी चीज़ का समापन उस वजह से होना चाहिए। तो आज हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम एक पुरुष तो है ही है और सब साधारण ही आदमी है, तो उत्तम पुरुष कैसे बने और पुरुषोत्तम मास की तरह से अपन किस तरह से अपना एक अलग से अस्तित्व बनाएं, ये हम सब के लिए जो है वो अपने जीवन में करना आवश्यक है, जिससे कि हम जो साधारण चल रहा है उससे एक अलग बने। ये समझा मैं, और बाकी जितना आप लोगों से सुना विद्वानों से, और वे कहते हैं ना कि विद्वानों के साथ बैठने से भी, सत्संग से भी आदमी का कल्याण हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा कल्याण हो जाएगा, हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रजिस्ट्रार साहब। अभी अभी आपने ज्वाइन किया हफ्ते भर पहले, राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, और आप हमारे सर वित्त नियंत्रक महोदय हैं। कार्यक्रम कैसे होते हैं वो आपको पता ही है, इनका साथ रहना कितना आवश्यक है। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं इसके पूर्व हमारे इस कार्यक्रम का समापन हो श्रद्धेय कुलपति महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहाँ का एक अति विशिष्ट प्रकाशन अश्वशास्त्रम, भैया चित्र आ सकता है क्या, फोटो लो देखे मोबाइल से, हाँ जैसा भी आया हो, इसमें क्या हुआ, संसार में सब जगह लाइट थोड़े है। द्रव्य है यही अपने, तो दशमा है द्रव्य, उसको माना नहीं लगा। और हमारे गुरुजी प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी एक पुस्तक पूर्त कमलाकर, दो एक कर्म होते हैं जो नए लोग बैठे उनको बता रहा हूँ, पूर्त ये खाद बावड़ी परोपकार के, वो पुस्तक हमारे कुलपति महोदय को भेंट कर रहे हैं और इस पुस्तक के बारे में कुछ बता रहे हैं श्रद्धेय प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी। आज आप लोगों के बीच में मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और हमको आपके इस मंच पर बोलने का आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रदर्शित करता हूँ। साथ ही कुलपति महोदय को एक पुस्तक पूर्त कमलाकर, जो कमलाकर भट्ट जी के द्वारा पांडुलिपि के रूप में 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ को जब मेरी नियुक्ति हुई तो पढ़ने में बड़ी समस्या आती थी, वो ग्रंथ मुझे ही दे दिया गया था, तो बहुत दिनों तक तो उसे मैं पढ़ने की कोशिश करता रहा कैसे इसको पढ़ूं, फिर उसके बाद उसको पढ़ा और फिर वो ग्रंथ मुझे अच्छा लगा, तो उसका मैंने हिंदी टीका किया अपने माता जी के नाम पर, तो वह ग्रंथ मैं माननीय कुलपति जी को समर्पित करना चाहता हूँ और आप सभी लोगों का आभार। सभा में विराजमान आदरणीय कुलपति महोदय, श्रद्धेय प्रोफेसर उपाध्याय जी एवं हमारे मेरे सब शिक्षक अग्रज बहिने, हमारे मित्र, आप सबके लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं हमारे वेद विभागाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया धन्यवाद विज्ञापन करें। आदरणीय देवेंद्र कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पधारे हुए वेद पौरोहित्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, गुरुजी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ, एतदर्थ आपका हार्दिक अभिनंदन एवं सादर आभार। इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के मनीषी विद्वान प्रोफेसर कुलपति जी आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार, तथा समस्त कर्मचारियों, समस्त शिक्षकों और फाउंडेशन से लगे हुए समस्त अध्यापकों, छात्रों, सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे श्रीमान वित्त नियंत्रक महोदय एवं रजिस्ट्रार साहब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। मेरा आग्रह हम सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के शांति मंत्र का पाठ देवेंद्र जी के साथ करें।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।